अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। एक बहुत लॉन्ग अवेटिंग टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कशन करने लगे हैं। शेख फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम आज फिर एक ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स जिन्होंने हमें बार बार फ़ोन किया, मैसेजेस किए, और वो मैसेजेस ऑनलाइन ऑन एयर मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं। और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की हमारे से कि डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, डोमेस्टिक अब्यूज के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। बहुत सारे लोग जब शादी करके यूके में आते हैं, आउटसाइड यूके से, वो हस्बैंड भी हो सकते हैं और वाइफ भी हो सकती है। आमतौर पे तासुर यही है कि सिर्फ लड़कियों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लड़कियों के ऊपर डोमेस्टिक अब्यूज होता है। लेकिन हमारे पास, हमारी लाइफ में बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जो कि मर्दों के भी थे और लड़कों के ऊपर भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ। और दोनों तरफ से अगर ये कहा जाए कि शायद 5-10% रेशो ज़्यादा है लड़कियों की, तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन 40% के करीब लड़के भी डोमेस्टिक वायलेंस के अब्यूज़ होते हैं जो लोग शादी करके यूके आते हैं। अब ये लोग स्पाउस वीज़ा पे भी आ सकते हैं और पार्टनर वीज़ा पे भी आ सकते हैं। दोनों किस्म के वीज़ाज़ पे यहाँ पे अगर वो आते हैं, अपनी लाइफ शुरू करते हैं और उसके नतीजे में कोई इस तरह की शिकायत होती है, तो वो ये लोग विक्टिम कहलाते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। तो शेख साहब, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस, ये होता क्या है, क्या क्या चीज़ें इस ज़िम्मे में आती हैं कि कोई अगर किसी को कहा जाए कि ये डोमेस्टिक वायलेंस के अब्यूज़ हैं या इनके साथ ये विक्टिम बन गए हैं, तो ऐसी कौन कौन सी मेन बातें हैं, क्या व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस? थैंक्स रुमान साहब, आपने जो इंट्रोडक्शन दिया, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें ये चीज़ समझनी है कि व्हाट इज डोमेस्टिक, जिसे हम नॉर्मली डीवी कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है क्या, और इसकी डेफिनेशन में इम्परेटिव दैट के जी क्या हम जो जिस टॉपिक पे हम आज बात करने लगे हैं डोमेस्टिक वायलेंस का, तो देखिए चैप्टर और उसकी डेफिनेशन से बहुत लेंथी है, लेकिन आज हम सिर्फ होम ऑफिस की जिस पे वो गाइडेंस पे आपको DDVL देते हैं, जिस पे आपको DV सेट पे आपको ILR देते हैं, ये हमारा टॉपिक है। अब आपका सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि क्या वो डेफिनेशंस हैं या वो डेफिनेशन है जिसकी बुनियाद पर हम डोमेस्टिक वायलेंस कह सकते हैं या हम इस बात पर क्लेम कर सकते हैं। देखें, इसकी डेफिनेशन को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है कि कंट्रोलिंग बिहेवियर, कोई भी स्पाउस, वेदर वाज मेल और फीमेल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने बहुत अच्छा मेरे सवाल करने से पहले बताया कि इसमें लाजमी नहीं है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हम समझते हैं सिर्फ लड़कियाँ ही डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। कंट्रोलिंग बिहेवियर, अगर आप यहाँ शादी करके आ जाते हैं किसी भी कंट्री से और आपका स्पॉन्सर आपको कंट्रोल करता है कि जी लेट से आपने घर में सफाई करनी है, आपने जी घर में बर्तन धोने हैं, आपने जी घर में ये काम करने हैं, मेरी मदर की खिदमत करनी है, मेरे फादर की खिदमत करनी है, तो ये जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है इज़ वन ऑफ द मेन पार्ट। उसके बाद देखें फिजिकल वायलेंस है, कुछ लोग फिजिकली भी उसको अब्यूज़ करते हैं, कुछ लोग सेक्शुअली माजद के साथ वायलेंस भी करते हैं, और साइकोलॉजिकल, ये खाली ये नहीं है कि देखें आप एक स्पाउस के साथ जो वेदर ही अर्शी आता है और उसको आप कहते हैं कि जी आप ये काम ना करें, आप साइकोलॉजिकली उसके ऊपर कमांड करने की कोशिश करते हैं, और उसका आपका ये बिहेवियर जो उसको लेट डाउन करता है उसकी लाइफ में, उसको कॉम्प्लेक्स पैदा करता है, तो ये भी है। और निग्लेक्शन भी है। देखें आप यहाँ आए हैं, आपको कहा जाता है आपको बाहर जाना है, आपने कुछ चीज़ बाय करनी है, और आपको आपका हस्बैंड या आपकी सॉरी वाइफ जो है वो आपको पैसे ही नहीं देती, वो आपकी स्पॉन्सर है, तो दैट मींस कि ये भी एक तरह से आपके साथ एक कंट्रोलिंग बिहेवियर से अब्यूज़ किया जा रहा है। तो ये वो डेफिनेशन है जिसको हमें समझना है, इसके ऊपर हम आगे मोटी मोटी तीन चार चीज़ें। जी अच्छा, इसमें से जो चीज़ मैंने अभी गेट की कि आपने कहा ILR मिलेगा, जी तो हम इससे पहले कि अगले किसी क्वेश्चन पे जाएं, तो क्योंकि ये बात आपने बोल दी है,
तो इसका मतलब है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का अब्यूज है और अगर वो विक्टिम साबित हो जाता है तो उसका जो वीजा स्पाउस वीजा या पार्टनर वीजा, उससे हट के उसको एक और वीजा मिलेगा जो भी आपने बताया जी। तो इसके बारे में बताइए, ये कैसे मतलब डायरेक्ट आईएलआर मिल जाएगा उसको? जी आपका बहुत अच्छा सवाल है, ये मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब तक हम इसकी बेसिक प्रोसेस को नहीं समझेंगे उस वक्त तक हम ये इसका टारगेट क्या है, इसमें अचीव क्या कर सकते हैं। देखें आप किसी वजह से आप समझते हैं कि जो मैंने अभी आपको बताया कि फिजिकल वायलेंस हो सकता है, आपको मेंटल वायलेंस हो सकता है, आप किसी स्टेज पे ये डिसीजन लेते हैं कि जी मैं अब फर्दर इस टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं रह सकता, मेरे साथ अब बहुत हो गई। तो आप इस बात को देखें, ये बात आप अगर तो आपकी घर की चार दीवारी तक रहती और आप कहीं बाहर इसको नहीं बताते, तो ये इसका मतलब है कि आपने ये एक तरह से इस बात को कंसीव कर लिया कि आप इसके साथ कैरी करेंगे। अगर आप किसी वजह से समझते हैं कि आपको फिजिकली अब्यूज किया गया, आपको मेंटली किया गया, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की गई और आप समझते हैं कि आपके राइट्स इंफ्रिंज हो रहे हैं, तो आप डेफिनेटली ये बात अपने, अगर आप देखें साइकोलॉजिकली हो रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को बताएंगे तो डॉक्टर इस पर एक्शन लेगा। अगर आप इस बात को समझते हैं कि आपके साथ फिजिकल हो रहा है या आपके साथ कोई अदरवाइज देन दैट हो रहा है, फिर सेक्शुअल हो रहा है, तो आप पुलिस को बताते हैं। अगर आप समझते हैं कि नहीं इसके साथ मैंने इन चीज़ों की तरह, आप अपनी क्या कहते हैं जो सोशल स्ट्रक्चर है हमारा, जो जिसे हम कहते हैं कि सोशल जो अदारे हैं, जो रिफ्यूज सेंटर, आप उनको बताते हैं तो वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं। और इस बुनियाद पर जब आप समझते हैं कि आप इस, आपने एक डिसीजन ले लिया, आपका स्पाउस वीज़ा चाहे एक माह हुआ है, 10 दिन हुए हैं, 2 माह हुए हैं, 3 माह हुए हैं, आपको यहाँ हुए और आप ये फील करते हैं कि मैं इसके साथ फर्दर कैरी नहीं कर सकता इस लाइफ के साथ, तो ये जो एविडेंस है इसकी बुनियाद पे आप DDLA डालते हैं। आप होम ऑफिस को ये बात बताते हैं कि आपके साथ ये हो रहा है, आपने किसी सोशल प्रोटेक्शन ले लिया है, पुलिस को बता दिया है, तो आप अपनी बेसिक जो एविडेंस है या जो भी आपके साथ हुआ है उसकी बुनियाद पे आप अपना एक केस डालते हैं। होम ऑफिस आपको 90 डेज की आपको ओवरस्टे, क्योंकि आपने अपना कोड चेंज कर लिया, आपने अपना स्पाउस वीज़ा ख़त्म कर दिया, स्पॉन्सरशिप वो बंदा विड्रॉ कर लेता है लेट से, तो उससे पहले आप अपना डोमेस्टिक वायलेंस डाल देते हैं, तो ये आपकी लीव जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर देती है। आपको होम ऑफिस इनिशली जल्दी माह बाद आपको फ़ौरन बहुत जल्दी वैसे होम ऑफिस नॉमिनी दे देता है, 90 डेज का आपको वीज़ा देगा और 90 डेज के बाद मान साहब आप अपनी कुछ चीज़ें हैं जो आप प्रूव करेंगे और उसके बाद आप सेट DV पे भी जा सकते हैं कि आप INR ले सकते हैं। मतलब अगर आप ये साबित कर देते हैं कि आप डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हैं जी जी, तो एट द एंड आपको आपके स्पाउस वीज़ा से आप स्विच करके जी जी आप INR ले सकते हैं जो कि इंडेफिनेट लीव टू रिमेन। एग्जैक्टली मैं इस पॉइंट पे आपसे मज़ीद पूछना चाहूँगा, लेकिन अभी आपने इसी का जवाब देते हुए बताया कि अगर आप ये साबित कर देते हैं जी जी, तो ऐसी क्या रिक्वायरमेंट हैं या ऐसे क्या एविडेंसेस हैं जिनको आप साबित करें या जो आपको साबित करने पड़ते हैं अपने आप को विक्टिम साबित करने के लिए जी जी, उनके बारे में कुछ बताइए कि वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। देखिए मान साहब, क्योंकि हमने एक प्लान किया हुआ था कि आज इस पर हमने होम ऑफिस की गाइडेंस को देखते हुए हमने अपने जो देखने वाले हैं उनको ये बात बतानी है, तो कुछ इस पे हम नोट्स तैयार किए हैं। तो क्योंकि इस नोट्स में, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक चीज़ एड्रेस कर रहे हैं होम ऑफिस की गाइडेंस के साथ, तो मैं इसमें एक बात अपने सुनने वालों को और देखने वालों को बताना चाहूँगा कि एक केस है इश्तियाक वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो उस केस में हम ये गाइडेंस उन्होंने दी है कि होम ऑफिस की जो पॉलिसी है या ये गाइडेंस है उसको इस केस लॉ में उन्होंने इंटरप्रेट किया, उसको आसान किया, तो वी कैन गेट द मैकेनिज्म। अब आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि वो कौन सी एविडेंस आपके लिए सवाल है जी। मैं उसके ऊपर नोट्स लेके आया हूँ, तो उसके ऊपर जो एविडेंस है, देखें अंटिल अनलेस आप सिंपली ये कह दें कि जी मैं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हूँ और आप कुछ भी ना दें होम ऑफिस को और होम ऑफिस से खाली सिंपैथी लेने की कोशिश करें और इस पे होम ऑफिस तो डेफिनेटली आपको रिफ्यूज करेगा। आपने ये केस प्रूव करना है, क्योंकि ये देखें ये जो शो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके शोल्डर्स पे है, आपने होम ऑफिस को ये बात बतानी है कि मैं वो कौन सी एविडेंस है आपका ये सवाल है। देखें उसमें एविडेंस जो है वो आपकी क्रिमिनल कन्विक्शन
आपने जिसको डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टम कहा है कि जी मैं विक्टम हूँ और इसने मेरे साथ ज्यादती की है, तो आप डेफिनेटली अगर पुलिस उसके ऊपर एक्ट अपॉन करती है तो कोर्ट में जाएगा, क्रिमिनल कोर्ट में, तो वो कन्विक्शन भी दे सकते हैं। आप अगर समझते हैं कि अभी उस स्टेज में इतना राइप नहीं हुआ मैटर, तो आप अपनी वो एविडेंस दे सकते हैं जो कि आप पुलिस एक दफा आई, दो दफा आई आपके घर, और वो कॉशन देगी। देखें, आपने बुलाया, कॉल की पुलिस को, ये मेरे साथ ये ज्यादती कर रहा है, मुझे पैसे नहीं देता, मुझे खर्चा नहीं देता, मुझे मुझे अपनी जिंदगी को कैरी करना है। तो ये एक एक पुलिस जब आती है तो ये डेफिनेटली एक आपके सामने एक कैड बनता है, एक रेफरेंस बनता है। तो वो होम ऑफिस की आपको जो कॉस्ट आप दे सकते हैं कि जी पुलिस दो दफा आई, तीन दफा आई, और आप अगर कंटिन्यूसली हो रहे हैं तो वो भी है। आप लेटर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी सोशल स्ट्रक्चर वालों का लेटर दे सकते हैं कि आपने उनसे सपोर्ट ली, उनसे प्रोटेक्शन ली, आप वो भी दे सकते हैं। देखें, वायलेंस जो है, अगर आपके साथ कोई केस वर्कर, कोई सोशल वर्कर अटैच हो जाता है, तो उसकी एविडेंस उसके लेटर हेड पे ऑफिशियल, ये देखें, ये मैंने जितनी बातें आपको बता रहा हूँ ये सारी ऑफिशियल रिक्वायर्ड है। ये ऐसे नहीं है कि मैं कह दूँ जी ये हुआ, नहीं, मुझे ये चीज़ें जो मैं जिसके ऊपर मैं बेस कर रहा हूँ, ये चीज़ें मुझे अपनी ऑफिशियल लेटर्स पे गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अदारे हैं, चाहे वो जीपी है, चाहे वो पुलिस है, ये मुझे ओरिजिनल एविडेंस देनी होगी। अच्छा, लेटर ऑफ स्टेटमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट विटनेसेस भी दे सकते हैं आपके, कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, आपके साथ अगर कोई डोमेस्टिक अब्यूज़ हुआ है तो उसके अंदर आप फिजिकल, सेक्शुअल और जो भी इस तरह की आपके साथ इवेंट्स हुए हैं, आप अपनी ये एविडेंस होम ऑफिस को, अपनी डीवी में जो आपने डोमेस्टिक वायलेंस का INR डालना है उसके अंदर आपको ये देना होगा, और होम ऑफिस आपका केस असेस करेगा, कंसीडर करेगा, इन चीज़ों को चेक करेगा मैन्युअली, और उसके बाद आई होप कि यू विल डेफिनेटली गेट INR। मतलब मैं जो समझा हूँ आपकी इस बात से कि अगर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम समझता है कि वो हो गया है, मतलब कोई टॉर्चर हुआ है, कोई कंट्रोलिंग बिहेवियर हुआ है, तो फौरी तौर पे आप या तो अपने डॉक्टर को बताएं कि मेरे पे टॉर्चर हुआ है और मैं स्ट्रेस या डिप्रेशन या कोई और मसला मेरे साथ है, तो डॉक्टर फिर आगे रेफर करता है, आप पुलिस को बताएं। तो इस तरह डॉक्टर है, पुलिस है, कुछ रेफ्यूज सेंटर हैं, कुछ सपोर्ट प्रोवाइडर्स हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको कॉन्टेक्ट करके आप ये रेफ्यूज ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं, तो उनको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। देखें, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, माज़रत सर, नहीं नहीं बताइए। जैसे जीपी है, आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट रुमान साहब, मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि अनफॉर्चुनेटली जब फिजिकल अब्यूज़ होता है तो लड़का या लड़की, माज़रत के साथ, दोनों का नाम इसलिए लेना पड़ता है ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, उनको फिजिकल जब टॉर्चर किया जाता है तो उनके, आप समझते हैं, बॉडी के ऊपर इंजरीज होती है, तो डेफिनेटली जीपी आपको हॉस्पिटल रेफर करेगा, या आप अनफॉर्चुनेटली आपके साथ इतनी ज्यादती हो जाती है कि आप स्ट्रेट अवे एमरजेंसी में चले जाते हैं। तो ये मेडिकल एविडेंस जो है ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीस ऑफ एविडेंस है कि आपके साथ ये हुआ। अब ये बात आप को और देखने वालों को बताना है कि आप जाकर ये कह दें कि जी ये मुझे चोटें आई हैं या मुझे मारा गया, तो ये बात कतन ना ये समझी जाए कि देखें, ये भी आपने प्रूव करना है कि ये आपको किसने पहुंचाई। आपको बात ये कि कुछ जैसे आपने कहा कि लड़के और लड़की दोनों का नाम लेना ज़रूरी हो जाता है, ख़ास तौर पे देखा यह गया कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ में लड़कियां डर रही होती हैं, वो घर से निकल ही नहीं पाती, डॉक्टर के पास कैसे जाएं, एक बात, वो उनको फ़ोन करने की इजाज़त नहीं होती। आज के दौर में भी ऐसे एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों केसेस हैं कि जो एशिया से लड़के या लड़कियां आई होती हैं यहाँ पे और उनको घर से निकलने की इजाज़त नहीं है, उनके साथ मेड का काम लिया जा रहा है, तो शेख साहब उनके लिए क्या मशवरा क्या देंगे आप कि वो लोग डॉक्टर को या रिफ्यूज सेंटर को कितनी जल्द इन्फॉर्म करें, कैसे इन्फॉर्म करें, और ये इन्फॉर्म करने का फ़ायदा क्या होगा? देखें रुमान साहब, मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करूँगा इस पॉइंट पर कि आपने एक ऐसी बात की जो मुझे एक केस पॉइंट ऑफ व्यू से आई। एक खत, बच्ची स्पाउस वीज़े पे यहाँ आई, उसके हस्बैंड ने उसको अच्छी वजह से उसको एक मोबाइल दे दिया, और उस मोबाइल के ऊपर उसने, आप समझते हैं, डाइवर्शन, जब कॉल आती थी तो वो कॉल उसके पेरेंट्स की, बहन भाइयों की, क्योंकि वो उसको एक तरह से
विक्टम था, वो विक्टम थी बेचारी, उसके साथ अब्यूज हो रहा था मुख्तलिफ तरीकों से, साइकोलॉजिकली भी फिजिकली भी, से क्योंकि मैं ये आपको ये इफेक्ट्स बता, और जब कॉल आती थी तो उस बेचारी को इतना भी नहीं पता था कि मेरी कॉल डाइवर्ट होकर उसके पास चली जाती है। और वो शाम को जब रात को जॉब से आता था तो वो कहता था आज तुम्हें किस किस की कॉल आई। आप मेरी बात समझ, ये जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है हमारे बदकिस्मती से हमारे माशरे का या सिस्टम का या जैसे भी आप उसको अल्फाज दे लें, तो ये भी गलत है, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है कि देखें मेरी कॉल आई, मेरे हस्बैंड ने मुझे मोबाइल लेके दिया और मैं खुश हूँ कि मेरे पास अपना मोबाइल है सेम है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसने सेटिंग्स में जाके उसको डाइवर्ट किया हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं, अब बात शेख साहब मेरा क्वेश्चन ये था, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि बात दूसरी तरफ जा रही है, मैं चाहता हूँ कि सुनने वालों को टू दी पॉइंट ये बताएं, वो लड़की या वो लड़का अगर पुलिस को नहीं बता पा रहा, जीपी को नहीं बता पा रहा, वो क्या करे या कैसे वो जाए, और अगर फर्ज करें जिस दिन जीपी या पुलिस को इन्फॉर्म करता है उस दिन तो हो सकता है उसको वापस घर में ना जाने दिया जाए। बिल्कुल सही, देखें रोमान साहब, अब ये मैन टू मैन वैरी करता है कि किस हद तक वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है, किस हद तक इन चीज़ों को रिजेक्ट कर रहा है। देखें अगर आप ये कहें कि मैं अपनी क्या कहते हैं जो बाउंड्री वॉल है उसको भी क्रॉस ना करूं और मैं ये चीज़ें ILR भी ले लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको ये बात बोल्डली फेस करनी होगी, आपको स्टेप लेना होगा, आपको पुलिस को बताना होगा, आपको सोशल प्रोटेक्शन लेनी होगी, आपको अपने फैमिली फ्रेंड्स आपके रिलेटिव्स आपके नेबर्स आप काउंसिल से भी ले सकते हैं, आप किसी तरीके से भी ये चीज़, अगर आप ये कहें कि मैं इस चीज़ को मार्केट में डिस्क्लोज भी ना करूं और मुझे सब कुछ हो भी जाए, तो फिर या तो आप चुप करके वो सारी वायलेंस बर्दाश्त करते रहें। मैं ये समझता हूँ, माजद के साथ ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे लोग इस वक्त वायलेंस का शिकार हैं लेकिन वो किसी वजह से नहीं बताते, स्टेप ही नहीं लेते, हाँ स्टेप ही नहीं लेते, टॉलरेंस दिखाते हैं, तो वो फिर बाद में रिजल्ट्स उनके कुछ और आते हैं, फिर बच्चे फिर उनके अंदर साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं। कुछ मदर्स हैं या कुछ फादर्स हैं वो इनको बोल्डली फेस करते हैं और वो इसको फिर स्टेप लेते हैं, फिर आपको ये बात बतानी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। मतलब ये कि आपको सुनने वालों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपको स्टेप लेना पड़ेगा जी। जिस दिन आप स्टेप लेंगे, अगर आप ये समझती हैं या समझते हैं कि आज मैंने स्टेप लिया और वापस मुझे घर जाने नहीं दिया जाएगा या मेरे पास अकोमोडेशन नहीं होगी, तो आप यकीन करें उसी दिन गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ इदारों की तरफ से आपकी अकोमोडेशन का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, आपको अकोमोडेशन भी मिलेगी, आपकी बाकी चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेकिन ये स्टेप आपको लेना पड़ेगा, तभी जाके इस मसले का कोई हल निकलेगा। अदरवाइज जैसे शेख साहब ने फरमाया, आप एज ए विक्टम अपनी ज़िंदगी गुजारते रहें, फिर तो आगे कुछ नहीं हो सकता। अच्छा शेख साहब, अब ये भी पता लग गया कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है और आपको ये साबित करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, डॉक्टर का लेटर चाहिए या पुलिस से आपको क्वेश्चन चाहिए, पुलिस का क्राइम रेफरेंस नंबर चाहिए आपको और कुछ NGOs या रेफ्यूज सेंटर सपोर्ट सेंटर्स उनकी तरफ से लेटर चाहिए आपको या उनकी सपोर्ट चाहिए आपको। अब ये बताइए, ये सब कुछ हो गया, इसके बाद पहला स्टेप क्या है कि आपको एप्लीकेशन को प्रोसेस कैसे करना है? आपका स्पाउस वीज़ा तो अब ख़त्म हो गया जी, अब आगे इंडेफिनेट लीव टू रिमेन जिसको हम ILR बोलते हैं, उसको कैसे प्रोसीड कैसे करना है, उसका तरीका कार क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें ये डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं, क्या एविडेंस चाहिए। अब पॉइंट ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि जिस बेचारा जो बेचारा विक्टिम है उसको यही नहीं पता कि उसने करना क्या है। देखें अब इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप इसमें लीगल एड पे भी जा सकते हैं, अगर वो असेसमेंट करें कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आप डेस्टिट्यूट हैं, या आप अगर डेस्टिट्यूट हो जाएंगे अगर आप पेमेंट करेंगे होम ऑफिस की फ़ी, तो देखें जो इनिशियली आपको 90 डेज़ का मिलता है तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो तो आपकी जो बेसिक 3 माह की आपको प्रोटेक्शन मिलती है। अब आ गया कि आपको पता है कि जो हमने सेट DV डालना है 101% होम ऑफिस में 2400 समथिंग जो भी फीस है वो मांगेगा। अब उसमें आपने 2 तरीके हैं 3 तरीके हैं उसको आपने देखना है। एक तो ये है कि आप किसी फैमिली या फ्रेंड के पास हैं और वो आपको फ्री अकोमोडेशन दे रहा है, क्योंकि डेफिनेटली आप ये आपको जहन में रखना होगा कि आपके परमानेंटली रिलेशनशिप ब्रोकन डाउन होंगे, तो तभी आप इसको इस प्रोसेस को कर सकती हैं, अलॉट कर सकती हैं।
आप अपने फैमिली फ्रेंड के पास रहते हुए होम ऑफिस को बता सकते हैं कि आपके पास ना पैसे हैं। एक बंदा, वो जो बंदा आपको रख रहा है, वो आपकी स्टेटमेंट देगा, साथ आईडी देगा कि जनाब ये लड़की या लड़का मेरे पास है, मेरे फैमिली फ्रेंड है, और ये फीस मैं इनको फ्री ऑफ चार्ज अकोमोडेशन दे रहा हूँ, मील मैं इनको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो दैट मीन्स कि वो डेस्टिट्यूट है, होम ऑफिस इसको फी वेवर पे इसको एग्जेम्प्ट कर देगा। अगर आप सोशल किसी नेटवर्क में हैं, रिफ्यूज सेंटर के पास प्रोटेक्शन में है, तो उनका लेटर कि जी ये हम इसको खाने पीने के लिए दे रहे हैं, अकोमोडेशन दे रहे हैं, दैट लेटर विल बी सफिशेंट फॉर दी फी वेवर। अगर आप समझते हैं कि आपके पास बाय ऑल मीन्स पैसे नहीं हैं, आपके एसेट्स नहीं हैं, और आप किसी ऐसी जगह पे हैं जो कि आपने इंडिपेंडेंटली अपनी रेजिडेंस बनाई हुई है और आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको होम ऑफिस को ये सारी चीज़ें, बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, अपनी सारी फाइनेंशियल स्टेटस बताना होगा कि आप कैसे रह रहे हैं, तो होम ऑफिस विल सी और असेस करेगा कि आप फी वेवर के इंटाइटल्ड हैं या नहीं। ठीक है, मतलब इसमें अगर आप क्विक नोट पे देखें कि जो पहला स्टेप है कि 90 डेज का वीज़ा अप्लाई करेंगे, जो कि आपने बताया कि बड़ा क्विक मिल जाता है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा आपको। आपने ये भी बताया कि इसकी 2400 कुछ पाउंड फीस है इनडेफिनेट लीव टू रिमेन की, वो पे करनी पड़ेगी। अगर आप कोई सर्टन क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो फीस भी माफ़ हो सकती है आपकी, और आपको इसमें जो वकील हैं काफ़ी ज़्यादा फीस वो भी चार्ज करते हैं, लेकिन उस पर भी लीगल एड मिल सकती है। तो हमने कोशिश ये की है कि हम आपको वो तमाम इंफॉर्मेशन दें जिसकी वजह से आप अपना सारा वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं, आप डिफरेंट स्टेप्स ले सकते हैं, आपको वकीलों की ज़रूरत नहीं है, इन सारी इंफॉर्मेशन। और आप अगर कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स में आप पूछें मुझसे, हम उसका भी जवाब देंगे। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि सारी बातें हमने अल्लाह के फजल से कवर कर दी, कोई और बात आप ऐड करना चाहें कोई चीज़? देखें, इसमें एक नॉर्मली ये जो डोमेस्टिक वायलेंस पे आईएलआर ले लेते हैं, तो वो उनके जहन में ये होता है क्योंकि हम ब्रिटिश स्पाउस था, तो हम जैसे ही हमें आईएलआर मिलती है तो हम फॉरेन नेशनलिटी ले लेंगे। नहीं, आपको ये बात समझना होगी कि जब होम ऑफिस आपको इनडेफिनेट लीव टू रिमेन ऑन द बेसिस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ग्रांट करेगा, तो आप 5 साल आपने कम्प्लीट करने हैं, और 5 साल कम्प्लीट करने के बाद जब आपको आप मेच्योर हो जाएंगे तो फिर आपको कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आपको यू शुड वेट 12 मंथ्स, वो जो रूल है 1 साल का पूरा आपको टाइम फ्रेम के अंदर रह के उसके बाद आप ब्रिटिश नेशनलिटी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे अगर आप ब्रिटिश नेशनल के स्पाउस हैं तो 5 साल के बाद नेशनलिटी ले सकते हैं, इसमें नहीं ले सकते? इसमें नहीं ले सकते, क्योंकि अब आप ब्रिटिश स्पाउस रहे नहीं, वो आपका कोड ही चेंज हो गया, आपका वीज़ा ही चेंज हो गया। और इसमें सॉरी रुमान साहब, इसमें एक और चीज़ भी ऐड करूँगा क्योंकि आपने मुझे अलाउ किया है, ड्यू रिस्पेक्ट। इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि नॉर्मली लोगों को नहीं पता, आईएलआर के लिए जब आप अदरवाइज रेफ्यूजी के अलावा अगर जाते हैं, तो आप अगर सॉरी डीएल पे नहीं हैं, तो इसके अंदर इस आईएलआर में एक और बड़ा अच्छा एस्पेक्ट है कि ना आपको लाइफ इन द यूके करना है, ना ही आपको इंग्लिश टेस्ट, ये आपको नेशनैलिटी की वक्त चीज़ें देनी है, लेकिन आईएलआर के लिए आपको ये चीज़ें मीट वीट करनी ज़रूरी है। और देखा जाए तो अभी तक जो और मुझे समझ आई है बातों की और सुनने वालों के लिए भी, अगर आप वाकई डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टम हैं, जेन्युइन विक्टम हैं, तो आईएलआर लेना, यहाँ पे सेटल होना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आसान स्टेप्स हैं, बस उनको फॉलो करना है आपने, लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, आपको आईएलआर मिल जाएगा। एग्जैक्टली। तो उम्मीद करता हूं जी कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके बावजूद अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें, और अगर आपके कोई दोस्त जानने वाले डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका फ़ायदा हो सके। और आखिर में मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि ये जितनी बातें हैं ये आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है, आप इस इंफॉर्मेशन को gov.uk पे जाके रिसर्च कर सकते हैं और ख़ुद पढ़ें, खुद इन स्टेप्स को फॉलो करें, और मुझे उम्मीद है कि आप को इससे बहुत फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।